चक दे इंडिया की खूबसूरत लड़की प्रीति सबरवाल ने अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। ये लड़की भी सागरिका घाट की। उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म चक दे इंडिया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के बाद भी सागरिका कई फिल्मों में नजर आई, लेकिन 2017 में भारतीय क्रिकेटर जहीर खान से शादी के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। अभिनेत्री सागरिका घाटगे 8 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्म चक दे इंडिया में तो सागरिका ने हॉकी प्लेयर के किरदार को निभाया था और दमदार तरीके से अपना रोल प्ले किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि असल जिंदगी में भी सागरिका नेशनल लेवल की हॉकी प्लेयर भी रही है। सागरिका घाटगे विजेंद्र घाटगे की बेटी है, जो हिंदी फिल्म उद्योग की जानी मानी हस्ती है। सागरिका की दादी सीता राजे घाटगे इंदौर के महाराजा तुकोजीराव होलकर की बेटी थी। इस तरह से सागरिका घाटगे शाही परिवार से ताल्लुक रखती है। जब सागरिका घाटगे कॉलेज में पढ़ रही थी, तभी से उन्हें विज्ञापन में अभिनय करने के लिए कई प्रस्ताव मिलने लगे थे, लेकिन उनके पिता ने पढ़ाई की वजह से काम करने के लिए मना कर दिया। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सागरिका ने अपने करियर शुरू किया। अगर बात करें सागरिका और भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के रिश्ते की, तो इनका रिश्ता उस समय लोगों के सामने आया जब दोनों साथ में युवराज सिंह और हेजल कील के रिसेप्शन पर पहुंचे थे। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। सागरिका ने 2017 में जहीर से शादी की थी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।